बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि उनके चावल के आटे के पापड़ टूट जाते हैं, लेकिन आज हम चावल के आटे का पापड़ ऐसे ट्रिक से बनाएंगे कि जो टूटेंगे बिल्कुल नहीं। और ये देखिए, ये कितना पतला और पारदर्शी दिख रहा है, और तलने पर ये अपने साइज से दोगुना हो जाता है। ये पापड़ खाने में तो क्रिस्पी होता है, लेकिन मुँह में डालने के बाद तुरंत ही घुल जाने वाला होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चावल के आटे का पापड़ बनाने के लिए हमने एक कप चावल का आटा लिया है। सबसे पहले इसे हम छान लेंगे। इसे छान कर ही यूज करें जिससे इसमें जो बड़े या मोटे कण रहते हैं निकल जाएँ, और कोशिश करें कि बिल्कुल महीन चावल का आटा लें तो इससे पापड़ अच्छे बनते हैं। इसमें मोटे कण बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। एक कप चावल के आटे को हमने छान लिया है। अब इसी में हम 2 टेबल स्पून मैदा डालेंगे। मैदा डालने से इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी और ये फटेंगे बिल्कुल नहीं, और मैदे के पापड़ भी खाने में अच्छे होते हैं, तो इससे इसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा। हमने मैदे को भी इसमें छान लिया है। अब हम लेंगे पानी। जिस कप से हमने चावल का आटा लिया है उसी कप से हम 1 कप पानी लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इकट्ठे पानी न डालें, नहीं तो इसमें लम्ब बनने लगेंगे। इसे फेंटने में कम से कम 2 कप पानी लगेगा। पहले हम 1 कप पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे इसमें लम्ब ना रहे। उसके बाद 1 कप पानी और डालेंगे। हमने 1 कप पानी डालकर इसे मिक्स कर लिया है, और ये हमने 1 कप पानी और लिया है। इसे भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। पानी और चावल के आटे का मेजरमेंट सही रखें तो आपके पापड़ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। हमने इसमें 2 कप पानी पूरा डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद इसे हम इसी तरह 6 से 7 घंटे रख देंगे जिससे चावल का आटा और मैदा अच्छे से फूल जाए। तो अब इसे हम इसी तरह से ढक के 6-7 घंटे रख देते हैं, उसके बाद देखते हैं। इसे हमने 6-7 घंटे रख दिया था, और अब ये देखिए चावल का आटा नीचे बैठ गया है और इसके पानी बिल्कुल ऊपर आ गए हैं। अगर आप ये पापड़ ज़्यादा गर्मी के सीजन में बना रहे हैं तो इसमें से ये पानी निकाल दें, क्योंकि इसमें स्मेल आने लगती है, तो इसकी जगह पर दूसरा पानी यूज कर लें। और अगर आप इसे ठंडक के सीजन में बना रहे हैं तो इसमें यही पानी यूज कर लें। हम इसे इसी पानी में बना रहे हैं तो इसे हम इसी पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस पे 1 पैन रखेंगे। इसके लिए आप जो भी बर्तन यूज करें, भगोना, पैन, प्रेशर कुकर, वो मोटे तले का होना चाहिए जिससे ये नीचे जलेगा भी नहीं और पापड़ अच्छे बनेंगे। अब इसमें हम 4 कप पानी डालेंगे। जिस कप से हमने चावल काटा लिया था उसी कप से हम 4 कप पानी इसमें और डाल देते हैं। 2, 3 और ये 4 कप। इसमें हम 1/2 कप पानी और डाल देंगे, क्योंकि इसमें हमने 2 टेबल स्पून मैदा भी यूज किया है, यानी इसमें हम 4.5 कप पानी डालेंगे। अब इसमें हमने 4.5 कप पानी डाल दिया है। अब पानी को हम अच्छे से उबलने देते हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे और इसे हम अब हम गैस ऑन करेंगे और पानी को हम अच्छे से उबलने देते हैं। और ये देखिए, अब पानी में अच्छे से उबाल आने लगा है। अब इसमें हम चावल का पेस्ट डालेंगे। इसे हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे जिससे इसमें लम्ब ना रहे। इसमें हमने सारे पेस्ट डाल दिए हैं। अब गैस को हम हाई फ्लेम पर करेंगे और 1-2 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर ही कुक कर लेंगे, लेकिन इसे बराबर चलाते रहें। और अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार ही डालें, लेकिन पापड़ में थोड़ा कम नमक ही अच्छा रहता है। अभी ये काफ़ी गाढ़ा लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, लेकिन इसमें गर्म पानी ही यूज करें। 1/2 कप पानी हमने इसमें और डाल दिया है। अब इसे हम इसी तरह से लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक कुक करेंगे जिससे अच्छे से पक जाए। और ये देखिए, अब इसमें उबाल आने लगा है। अब हम गैस को फिर से लो फ्लेम पे करेंगे और इसे लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे। इसे हम लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक कुक करेंगे जिससे ये अच्छे से पक जाए। चावल के आटे को अच्छे से पकाना है। अगर चावल के आटे कच्चे रह जाते हैं तभी पापड़ फटते हैं, और अगर इसे अच्छे से कुक कर लें तो चावल के पापड़ नहीं फटते हैं। इसे हमने 7 से 8 मिनट तक कुक कर लिया है।
और ये देखिए अब ये काफ़ी ठीक भी हो गया है और चावल का आटा अच्छे से पक भी गया है और अच्छी से इसमें शाइनिंग भी आ गई है। इसे हमने 8 से 10 मिनट तक कुक कर लिया है और अब ये हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद इसमें हम आधा छोटा चम्मच मंगरेल यानी कलौजी डालेंगे, लेकिन इसे गैस बंद करने के बाद ही डालें। पहले डाल देने से पापड़ काले होने लगते हैं, इसलिए मंगरेल इसमें बाद में ही डालें। अब हम इसका गरम-गरम पेस्ट एक बाउल में निकाल लेंगे क्योंकि इसे हमें गरम-गरम ही बनाना है और बाकी के हम ढक के रख देंगे जिससे ये बराबर गरम बना रहे। पापड़ बनाने के लिए हमने एक पॉलीथीन बिछा लिया है। अब एक एक चम्मच बैटर लेंगे और इस पर हम फैलाते जाएंगे। आप इसे जितना छोटा बड़ा बनाना चाहें बना लें, लेकिन इसे थोड़ा मोटा ही फैलाएं क्योंकि सूखने के बाद ये पतला हो जाता है। अगर ज़्यादा पतला रहेगा तो पापड़ फटने भी लगते हैं। डालने के बाद इसे हम एक दो दिन धूप में सुखा लेंगे। अगर धूप नहीं है तो आप इसे फैन के नीचे भी सुखा सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और ये देखिए इसे हमने दो दिन की धूप में अच्छे से सुखा लिया है और ये कितना ट्रांसपेरेंट पापड़ बना है और फटा भी नहीं है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं और ये देखिए इसे ऑयल में डालने के बाद ये अपने साइज से दोगुना हो जाता है। इसी तरह से हम और भी पापड़ फ्राई कर लेंगे। ये पापड़ बहुत ही क्रिस्पी बना है और ये देखिए ये अपने साइज से दोगुना हो जा रहा है। इसी तरह से हम और भी पापड़ फ्राई कर लेंगे। ये पापड़ खाने में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होता है और अब गर्मा गर्म पापड़ सर्व के लिए रेडी है। ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। आप इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें और इस ट्रिक से बनाएं तो पापड़ आपका बिल्कुल नहीं फटेगा। अब मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ और ये देखिए ये कितना क्रिस्पी बना है। आप इसे बनाएं, खाएं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।